करनाल थाना पुलिस ने मारपीट व छीना छपटी के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एएसआई सिंगराज स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट CIA 2 व उनकी सहयोगी टीम को आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी बाबू उर्फ इस्लाम वासी कलरी को कलरी जागीर रोड से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना इंद्री में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की आगामी तफ्तीश एएसआई सलिंद्र कुमार व मुख्य सिपाही रामनिवास स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट CIA 2 करनाल को सौंपी गई है। पूछताछ में आरोपी द्वारा एक और वारदात का खुलासा किया गया है कि उसने अपने 5 अन्य साथियों रवि कुमार, रोहित कुमार, चंद्र प्रकाश, रजत व नौरती के साथ मिलकर महेंद्र सिंह गांव सांतड़ी से मारपीट कर 40,000 रुपए छीने थे। इस वारदात में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 6 अज्ञात युवकों ने महेंद्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था और उसके बाद उससे 40,000 रुपए छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने दबिश देकर उपरोक्त 5 आरोपियों को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर गांव कलरी जागीर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल लाइन थाना में और यहां मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहां के उच्च अधिकारी। मैं आपको बता दूं करनाल पुलिस को एक सफलता मिली है, इन्होंने एक ऐसी वारदात को सुलझा दिया है जो इनके लिए बड़ी कामयाबी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। क्या मामला था और इनको कैसे आपने परेशान किया? 31 दिसंबर को एक महेंद्र नाम का व्यक्ति इंद्री PNB बैंक से अपने 40,000 रुपये लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। 6 व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और उसे मारपीट करके 40,000 रुपये की नकदी छीन ली थी। जो SSP साहब के दिशा निर्देश में इस वारदात को ट्रेस करने की जिम्मेवारी CIA 2 की टीम को मिली थी, जो हमने बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने अथक प्रयास के साथ 6 के 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जो और उनसे एक नजायज असला और एक जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है और आज उनको 6 के 6 मुलजिमों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और जो भी उनसे स्नैचिंग में जो उन्होंने पैसे छीने थे वो और उसमें वारदात में प्रयोग हुए हथियार और बाइक उनसे बरामद की जाएंगी। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंद्री के पास ही करली जागीर एक गांव है, उसी गांव के रहने वाले हैं। सर, ये वारदात किस कौन सी तारीख की और कितने बजे के आसपास? ये 31 दिसंबर की वारदात है 2020 की, करीब दिन के समय 4:30 बजे की ये वारदात है। जो उन्होंने दिन के समय ही जब वो पैसे निकाल कर अपने बैंक से अपने गांव जा रहा था तो दिन के समय ही वहाँ चोट मार के उन्होंने पैसे छीन लिए थे। सर, ये जो 6 आरोपी आपने काबू किए हैं, इनकी कोई पहले भी क्राइम हिस्ट्री रही है? अभी इनको आज पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और पुलिस रिमांड के दौरान इनका जो पूरा डाटा है पिछला वो भी प्राप्त किया जाएगा और इनको इन्होंने कहीं और भी वारदातें नए की हों इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। देखिए सर, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने एक लूट की वारदात को सुलझा लिया है। 31 दिसंबर को एक व्यक्ति से करीब 6 लोगों ने 40,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में जब यह मामला आया तो इसकी जांच बढ़ा दी गई और कल पुलिस के द्वारा इन 6 आरोपियों को काबू किया गया। 6 के 6 युवा बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी नहीं अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका पीछे कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं, बाइक भी बरामद हुई है और पैसे भी बरामद हुए हैं और इनके क्या इनका क्राइम रिकॉर्ड रहा है इसके बारे में रिमांड के दौरान पता चलेगा। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.